और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। आदरणीय सभापति जी, पिछले दो ढाई दिन में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, अपडेट करने के लिए बोल इसके लिए पागल लग रही थी मैं 11:30 बजे आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। मौत का आंकड़ा भी अपडेट कर, आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर, साठ साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है। और कुछ लोग जानबूझकर के उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया, और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी सककर, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था एक तिहाई सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है, एक तिहाई हुआ है, एक तिहाई हुआ है, 2 तिहाई बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं।